गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू. दिस इज़ रश्मि सिंह फ्रॉम VS मेमोरियल पब्लिक स्कूल. एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ मैप प्रैक्टिस बुक. इट्स सैटरडे एंड दिस टाइम वी विल स्टार्ट विद अ सेकेंड चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी सेक्शन. सो बेसिकली द सेकेंड चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी सेक्शन इज द लैटिट्यूड्स एंड द लॉन्गिट्यूड्स. अ ग्लोब हैज़ अ टू सेट्स ऑफ सर्कल. इन वन सेट द सर्कल्स रन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. दीज सर्कल्स आर कॉल्ड पैरेलल्स. द पैरेलल्स डिवाइड द अर्थ इंटू थ्री हीट जोन्स, द थॉरिड जोन, द टेम्परेट जोन एंड द फ्रिज जोन. In the second set, the circles run from north to south and pass through the poles. The semicircles between the north pole and the south pole are called the meridians. The network of the parallels and the meridians is called the earth's grid, and it is used to locate any place on the earth. So basically, बच्चों आज हम लोग latitudes और longitudes के बारे में पढ़ेंगे. जो globe क्या होता है, globe एक earth का model होता है. इसमें दो सेट्स ऑफ सर्कल आपको दिखने को मिलेंगे. एक सेट सर्कल में देखिए, आप फिगर से समझ सकते हैं. एक सेट सर्कल में आप देखेंगे कि जो सर्कल्स हैं वो ईस्ट टू वेस्ट की तरफ बने हुए हैं, और इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, पैरेलल्स. आप इन्हें पैरेलल्स कहते हैं और लैटिट्यूड्स भी कहते हैं. क्या कहते हैं? लैटिट्यूड्स भी कहते हैं इन्हें, ठीक है. ये आप जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ ऐसे बने हुए हैं, इन्हें आप पैरेलल्स भी कहते हैं और लेटिट्यूड्स भी कहते हैं. सेकंड, अब जो ये पैरेलल्स हैं, इनकी हेल्प से अर्थ को थ्री हीट जोन्स में बांटा गया है. थ्री हीट जोन में सबसे पहले आप देख सकते हैं फ्रिज जोन, टेम्परेट जोन, टॉरिड जोन. सो बेसिकली फ्रिज जोन होता है जो सबसे ठंडा इलाका होता है, उसे फ्रिज जोन कहते हैं. टॉरिड जोन जो सबसे, जो आपका ये जो लाइन है, इसे इक्वेटर कहते हैं, जो अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर. इन दोनों पार्ट के बीच में जो लाइन गई, इसे इक्वेटर कहते हैं. और ये जो आपका पूरा ग्रीन कलर में जो शेडेड है, ये आपका थॉरिड जोन है. मतलब बेसिकली बहुत गर्म जगह जो होती है, बहुत हॉट होती है, इसे थॉरिड जोन कहते हैं. फ्रिज जोन और थॉरिड जोन के बीच में जो ये जोन होता है, इसे कहते हैं टेम्परेट जोन, जहाँ का टेम्परेचर ना तो बहुत ज़्यादा हॉट होगा और ना बहुत ज़्यादा कोल्ड होगा. तो ये आपका हो गया टेम्परेट जोन. तो बेसिकली हीट जोन्स जो होते हैं, इन्हें तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, फ्रिज जोन, टेम्परेट जोन और थॉरिड जोन. और सेम चीज़ आपको साउदर्न हेमिस्फीयर में भी देखने को मिलेंगे. ये आपके नॉर्थ पोल है और नीचे ये आपका साउथ पोल है. तो ये किसकी हेल्प से डिवाइड किया गया है? पैरेलल्स की हेल्प से. पैरेलल्स क्या होते हैं? जो अर्थ में सर्कल्स बने होते हैं, या जो आप ऐसे देख सकते हैं, ये जो बने हुए सर्कल्स ईस्ट से वेस्ट की तरफ, देखिए ईस्ट आपका इस साइड होगा और वेस्ट इस साइड. तो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जो ये सर्कल्स बने हुए हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? पैरेलल्स. पैरेलल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कहीं भी जाके एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे के पैरेलल्स रहेंगे. थर्ड, उसमें कहा गया कि इन सेकेंड सेट द सर्कल्स रन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड पास थ्रू द पोल्स. देखिए ये सेकेंड जो आपका सेकेंड सेट है, ये आपका सेकेंड सेट है, इसमें आप देखेंगे कि सर्कल्स ऐसे बने हुए हैं, ऐसे करके बने हुए हैं, और ये आपका नॉर्थ पोल है और ये आपका साउथ पोल है. तो ये सर्कल्स नॉर्थ टू साउथ के वो पास किए हैं, और हो कहाँ जाके, इन्हें पैरेलल्स नहीं कह सकते क्योंकि ये कहीं ना कहीं जाके साउथ पोल पर जाके एक दूसरे को टच कर लेते हैं. द सेमी सर्कल्स, अगर सर्कल को हाफ किया जाए तो ये जो डॉटेड लाइन्स हैं, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में एक जो डॉटेड लाइन आपको दिख रही है, इसे क्या कहते हैं? मेरिडियन. क्या कहते हैं? मेरिडियंस. और ये जो पूरा नेटवर्क बना हुआ है, देखिए अब इस फिगर में आप देखिए, जो पूरा नेटवर्क बना है, ये आपका पैरेलल्स का नेटवर्क और ये आपका लॉन्गिट्यूड का नेटवर्क. इन दोनों के जो पूरा नेटवर्क बना है, इसे क्या कहते हैं? अर्थ्स ग्रिड. सो बेसिकली अर्थ्स ग्रिड, इसका यूज़ इसलिए किया जाता है कि जो भी आपके अर्थ पे कोई भी जगह है, कोई भी प्लेस है, तो उसकी प्रॉपर लोकेशन जानने के लिए लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स का यूज़ किया जाता है. मेरिडियंस को आप लॉन्गिट्यूड्स भी कह सकते हैं. ये जो आपकी मेन डॉटेड लाइन आपको दिख रही है बच्चों, इसे प्राइम मेरिडियन कहते हैं. इस क्या कहते हैं? प्राइम मेरिडियन. तो इस तरह आपको डिफरेंट चार टाइप के डिफरेंट फिगर्स दिए हैं जो अर्थ्स में बने हुए हैं. पैरेलल्स आप समझ गए होंगे. पैरेलल्स को लैटिट्यूड्स भी कहते हैं, मेरिडियन इन्हें लॉन्गिट्यूड्स भी कहते हैं, और ये जो मेन बीच में लाइन दिख रही है आपको डॉटेड में, से प्राइम मेरिडियन कहते हैं. हीट जोन्स कितने हैं? थ्री हीट जोन्स होंगे, फ्रिज जोन, टेम्परेट जोन और थॉरिड जोन.
फ्रिज जोन बहुत ही जो ठंडी प्लेस होती है, बहुत ही कोल्ड एरिया जो होती है उसे फ्रिज जोन कहते हैं। टेम्परेट जोन ना तो बहुत ज़्यादा ठंडा ना तो बहुत ज़्यादा गर्म, और टॉरिड जोन जो आपके इक्वेटर के पास का एरिया है अर्थ पे, ये बहुत ज़्यादा हॉट होता है। अर्थ्स ग्रिड में आपको यही जो पूरा नेटवर्क बना हुआ है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का, इसी को अर्थ्स ग्रिड कहते हैं। इसकी हेल्प से आप अर्थ पे कोई भी लोकेशन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो अब आपको करना क्या है, आपको पेज नंबर 5 में ऊपर कुछ चीज़ें दी गई हैं। इन द गिवन डायग्राम मार्क एंड लेवल द फॉलोइंग। सो पैरेलल्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्टिक सर्कल, नॉर्थ पोल। तो आप पैरेलल्स की फिगर देखिए, ये पैरेलल्स का फिगर है और ये आपके हिट जोन्स हैं। हिट जोन आप इसमें फिल करेंगे, इसका PDF मैंने आपको सेंड कर दूंगी। देखिए मैंने पूरा फिल कर दिया है। दिस इज़ नॉर्थ पोल, साउथ पोल, फ्रिज जोन, टेम्परेट जोन, एंड दिस इज़ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, इक्वेटर, द मिडल लाइन इज इक्वेटर, एंड दिस इज ऑल पार्ट इज टॉरिड जोन। यू हैव टू ऑल्सो डू द कलर ऑफ ऑल दिस विद द हेल्प ऑफ दिस विद पेंसिल कलर्स। ओके, ये आपके पैरेलल्स हो गए, मैंने लोकेशंस डाल दिए हैं, 80° नॉर्थ, 60° नॉर्थ। सो ये इक्वेटर पे 0° होगा, फिर वहाँ नीचे उसे साउथ शुरू हो जाएगा। दिस इज़ प्राइम मेरिडियन, द मिडल लाइन, एंड दिस ऑल फिगर शोज यू अबाउट द मेरिडियन एंड द ईस्ट वेस्ट लोकेशंस। दिस इज़ द नॉर्थ पोल एंड दिस इज़ बेसिकली योर अर्थ्स ग्रिड। सो बच्चों मैंने सारे डायरेक्शंस मार्क कर दिए हैं, आपको इसकी हेल्प से इसको फिल करना है। मैं इसका PDF भी सेंड कर दूँगी। And just use the pencil color to color all the things and only pencil to do the namings and to locate all the places and latitudes and longitudes. I hope आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर कोई इशू होगा तो आप मुझे मैसेज कॉल करके पूछ सकते हैं। जय हिंद।